आज एक छोटा सा नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री बता चुका हूँ। आज अपन कुछ एक जनरल मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में लोग बहुत ज़्यादा यूज होते हैं 11th और 12th लेवल पे, और बहुत सारे बच्चों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये होता है कि उनको बेसिक नहीं आता। बेसिक जब तक नहीं आएंगे तब तक फिजिक्स आपके लिए हमेशा डिफिकल्ट रहेगी। तो फिजिक्स को आसान बनाने का सही तरीका क्या है कि आपकी बेसिक मैथ्स पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। बेसिक मैथ्स इज वेरी इजी, बस आपको इसको सही यूज करना आना चाहिए। अब क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधा फिजिक्स स्टार्ट कर देते हैं, यूनिट डायमेंशन वेक्टर 1D। जब तक बेसिक बहुत अच्छा नहीं होगा तब तक फिजिक्स आपको ऐसा लगेगा ये सब्जेक्ट है ही नहीं, हमको सब कुछ डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन जिसका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, डेफिनेटली फिजिक्स से आसान और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है। तो फिजिक्स को आपको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, उसके साथ जुड़ना है। उसको पढ़ने के लिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उससे जुड़ना। जब तक आप किसी सब्जेक्ट से जुड़ेंगे नहीं तब तक आपको फीलिंग नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ होती है कि ये सब्जेक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग, जो भी हमारे आसपास हो रहा है वो सब फिजिक्स में है, तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। बस आपको सही से इसको विजुलाइज करना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक लॉग है, इस लॉग का यूज कहाँ आता है। मैं जैसे एग्जांपल स्टार्टिंग में सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आता है, सर ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं जैसे आपसे पूछता हूँ 10 की पावर x = 2, कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज x। आप नहीं बता सकते कि x क्या होगा। इसको निकालने के लिए हम लॉग का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ 10 का पावर x = 5, तो x क्या हो ताकि ये रिजल्ट 5 आ जाए। अब जैसे मैं बोल दूं 10 का पावर x = 10, तो अब आप बता दो कि सर x 1 होना चाहिए। भाई x 1 होगा तो ये करेक्ट हो गया, तो इसमें फिर क्या होगा x, इसमें ये x क्या होगा। इसके यूज करने के लिए लॉगरिथम्स यूज करेंगे, ठीक है। लॉग बहुत सिंपल है, इसको मैं सही तरीके से आपको स्टार्ट करवाऊंगा। इससे पहले आपको कुछ बेसिक इसके बारे में छोटी छोटी टिप्स दे देता हूँ। कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी, उनको याद रखने के साथ ही लोग आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज का टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं लोग। मैथ्स में ये टॉपिक आता है लेकिन फिर भी मुझे बायो के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। लोग एक फंक्शन है, इसमें यहाँ पे एक्स और ये वाई है, ठीक है। दो पैरामीटर्स होंगे, ये जो एक्स है ना इसको बोलेंगे बेस, और जो वाई है ना वो इसकी होगी वैल्यू। ये जो x है इसको बोलते हैं बेस, और ये जो y है इसको बोलेंगे वैल्यू, ठीक है। बेस जो है x वो कभी भी 1 नहीं हो सकता, और x जो है वो 0 से ग्रेटर होगा। ये x की कंडीशन है कि x कभी 1 नहीं होगा और x 0 से ग्रेटर होगा। सेकंड कंडीशन y की बता देता हूँ, y इज ऑल्सो ए पॉजिटिव, y 0 से ग्रेटर होगा। यानी यूं कह सकते हैं कि x एंड y दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, और x नेवर बीन इक्वल टू 1, क्लियर। तो ये तो लॉग का आपको छोटा सा एक प्रोसीजर बताया, ठीक है। अब लॉग के कुछ बेसिक छोटे छोटी वैल्यूज हैं, वो 4-5 वैल्यू अगर मेमोराइज्ड है तो आपको लॉग में कभी कोई टेंशन नहीं लेनी। तो मैं आपको कुछ बेसिक वैल्यूज बता देता हूं। लॉग 10 10 1, यहाँ पे भी 10 हो, यहाँ पे भी 10 हो, 1। यानी जब x और y इक्वल हो तो 1 आएगा, सिंपल। अगर log 2 2 भी होता तो भी वैल्यू 1 आती। यानी बोल सकते हैं कि जब x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वल हो तो 1, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड वैल्यू क्या मेमोराइज करनी है, ये 2 2 के लिए भी 3 3 होता तो भी 1 होता, 4 4 होता तो भी ये वैल्यू 1 होती, क्लियर। तो वैसे अपने को ये याद रखना है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या है, log 10 2, यानी कि बेस जो है 10 है। अपन जनरली जो बेस लेते हैं, बेस दो होते हैं यहाँ पे, या तो 10 होगा या फिर यहाँ पे e होगा, दो बेस होते हैं। तो x जनरली हम प्रॉब्लम के लिए या तो 10 लेंगे या फिर x जो है वो e होगा। e की वैल्यू होती है 2.718। इस e को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा सा इसको पेशेंस के साथ सुने। ये जो x है बेस, जनरली 10 लेते हैं, जनरली e लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू या तो 10 की फॉर्म में होगी या e होगी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।
log 10 2 का वैल्यू होता है 0.3010। थर्ड वैल्यू बता रहा हूँ मैं, log 10 3 का वैल्यू होता है 0.4771। एंड फोर्थ वैल्यू है log 10 5 का वैल्यू होता है 0.698 या 0.699 भी लिख लेते हैं। और log 10 1 का वैल्यू होता है 0। तो ये वैल्यूज लॉग की कुछ कैलकुलेट होके आई है। तो बच्चों ये अगर 5 वैल्यूज आपको मेमोराइज हैं तो लॉग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक वैल्यू और लास्ट में बता देता हूं, log E10, यहाँ पे बेस E है ठीक है, और log E10 की वैल्यू होती है 2.303। क्लियर। तो ये लॉग की अपन ने वैल्यूज जो है, ये वैल्यूज आप log 10 10 1 log 10 2.30 0.47715 फाइव की वैल्यू, लेकिन सबका बेस 10 है और यहाँ पे बेस E है ठीक है। ये जो है जनरली हम बेस की वैल्यू या तो X लेंगे या E लेंगे। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, और लॉग के कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो ये फॉर्मूले बता देता हूं मैं आपको, फॉर्मूलाज ऑफ लॉग। लॉग के क्या क्या फॉर्मूले हैं उसको समझाते हैं ठीक है। जैसे लॉग 10 x की पावर m, सॉरी y लेते हैं, y की पावर m, तो जो पावर होती है वो फ्रंट में आ जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं log 10 y ठीक है, log 10 y into z। तो अगर मल्टीप्लाई में है दो वैल्यूज तो उसको लिख सकते हैं log 10 y प्लस log 10 z। अगर ऐसा है मान लो log 10 x into y into z, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log 10 x प्लस log 10 y प्लस log 10 z। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। जब पावर है y की पावर m है तो पावर हमेशा फ्रंट में आ जाएगा ठीक है। डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है। फॉर्मूला नंबर थर्ड, log 10 y अपॉन z, अगर दो वैल्यूज डिवीजन में है तो इसको लिख सकते हैं log 10 y माइनस log 10 z ठीक है। ये अपन लिख सकते हैं इस तरीके से, मतलब अगर दो डिवीजन में है तो y और z को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दो वैल्यूज अगर डिवीजन में है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ठीक है। और यहां पे तो ये फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला नंबर 4, log z z ऑलवेज 1 होगा, यानी बेस और वैल्यू अगर इक्वल है तो हमेशा वैल्यू 1 आ जाएगी। ये फॉर्मूला नंबर 4 कह रहा है, यानी या 10 10 का वैल्यू 1 था ना, z z हो तो हमेशा 1 आएगा। log, अब मैं आपको एक बेस चेंज थ्योरम बता देता हूं, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला नंबर 5, इसको बोलेंगे बेस चेंज थ्योरम। अगर आपको इसका बेस बदलना हो, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, इसका बेस E है और आपको इसका बेस चेंज करना है, बेस करना है 10, या यूं समझो इसका बेस 2 है, आपको इसका बेस कन्वर्ट करना है 10, तो बेस चेंज थ्योरम बेस बदलने के काम आएगा है ना। ये जो बेस वैल्यू है इसको चेंज करना हो तब हम बेस चेंज थ्योरम को यूज करेंगे। तो बेस कैसे चेंज करते हैं ये आगे आपको बताता हूं कि बेस कैसे चेंज करेंगे लोग, और ये फॉर्मूला नंबर 5 है। लोग का बेस चेंज करने का सिंपल तरीका है, लोग यहां पे मान लो गिवन है ए बी या एक्स, एक्स वाई लिख ले, चलो एक्स एंड वाई, इसका बेस क्या है एक्स है। अब अपने को इसका बेस 10 करना है, तो 10 करने का ध्यान दो, इसको ऐसे लिख दो log 10 y अपॉन log 10 x, ये इसका बेस चेंज हो गया। सिंपल समझना, y वाला टर्म है तो उसको log y ऊपर की तरफ लिख दिया और बेस ले लिया 10,
x वाला टर्म है तो x वाले टर्म को अपॉन में ले लिया और उसका बेस ले लिया टेन। जैसे इसका एक एग्जांपल और देता हूं मैं, जैसे लोग एक्स वाई है, इसका बेस e करना है तो हम e भी कर सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं log ey अपॉन log ex, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। e लिया, y को ऊपर रख दिया, x को नीचे log में लगा दिया, ये वैल्यू बन गया। जो बेस था ना इसका x, ये यहाँ वैल्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखो यहाँ x था, ये वैल्यू बन गया, y पहले भी वैल्यू था अब भी वैल्यू, लेकिन x को हमने बेस से वैल्यू बना दिया। क्लियर? और एक एग्जांपल लेता हूं बेस चेंज थ्योरम का, क्योंकि जितने एग्जांपल आप डिस्कस करेंगे उतना आपको क्लियर होगा। ये बेस चेंज थ्योरम का एग्जांपल लेते हैं एक और, लॉग जैसे 2 5 है, इसका बेस 10 करना है तो पता है कैसे लिख सकते हैं अपन इसको, लॉग 10 5 अपॉन लॉग 10 2। अब आप यूं कहोगे कि सर ये बेस चेंज थ्योरम आपने क्यों बताई? भैया अपने को जितनी भी वैल्यूज पता है ना वो सब 10 की पता है, लोग बेस 10 की वैल्यूज ही मेमोराइज थी, तो अपने को अगर बेस चेंज थ्योरम आता है तो अपन कोई भी बेस हो अपन उसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट एनी बेस इंटू 10 बाई यूजिंग बेस चेंज थ्योरम। हम किसी भी पैरामीटर का, जैसे मान लो ये एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, जैसे लोग 3 5 है, इसका बेस 3 है, लॉग 3 की मुझे वैल्यू नहीं पता, मैं बेस चेंज थ्योरम अप्लाई करता हूँ, लॉग 10 5 अपॉन लॉग 10 3। भैया लॉग 5 की भी वैल्यू पता थी, लॉग 3 की वैल्यू भी पता थी, कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये कैलकुलेट हो सकता है। लॉग 5 की वैल्यू मैंने बताई थी 0.698 और लॉग 3 की वैल्यू बताई थी 0.4771, आंसर आ गया। लॉग 10 5 की वैल्यू यहाँ पे पता आपको 0.698, लॉग 10 2 की वैल्यू मैंने बताई थी 0.3010, डिवाइड करो आंसर आ गया। तो बेस चेंज थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर बेस चेंज करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आते हैं सर एग्जांपल करते हैं, तो एग्जांपल एक एक फॉर्मूले पे, एक एक एग्जांपल में बताऊंगा आपको फॉर्मूले और एग्जांपल, ठीक है? तो अपने को सबसे पहले जो पता है वैल्यूज वो लिख लेते हैं, log 10 1 0, log 10 2 0.3010, log 10 3 0.4771, log 10 5 0.698 एंड log 10 10 जब भी हो 1, ठीक है? log 10 x की पावर m log 10 x, ठीक है, पावर हमेशा इसके आगे आ जाएगा, लॉग 10 x अपॉन y को लिख सकते हैं लॉग 10 x माइनस लॉग 10 y, जब डिवीजन में हो तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो x इंटू y हो तो ऐड कर देंगे, है ना, लॉग 10 x प्लस लॉग 10 y। ये बेसिक फॉर्मूला आ जाए जो अपने यूज आएंगे, और एक लॉग बेस चेंज थ्योरम, लॉग ए बी का बेस 10 कन्वर्ट करना हो तो लॉग 10 बी अपॉन लॉग 10 ए, ठीक है, तो दोनों का बेस अपना कन्वर्ट हो गया, तो लॉग ए बी का वैल्यू है तो ये अपना कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इस पे एग्जांपल लेते हैं भैया, जैसे आपसे बोल दे लॉग 10 8 का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 8 है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं log 10 2 की पावर 3, ठीक है, अब पावर जो है पावर आगे आ जाता है तो इसको ऐसा बोल सकते हैं 3 log 10 2, और log 10 2 की वैल्यू आपको पता है ये रहा, तो यहां से रख देंगे 3 into 4.3010, क्लियर? जैसे आपसे बोल दे log 10 100 इसका वैल्यू बताओ, तो इसको क्या लिख सकते हैं log 10 10 की पावर 2, पावर कहाँ चला जाएगा आगे, क्या बन जाएगा 2 log 10 10, और ये भी वैल्यू और ये भी वैल्यू सेम है, 10 10 का वैल्यू होता 1, तो 2 into 1 2। जैसे आपसे बोल देता log 10,000
तो इसको ऐसा बोल सकते हैं log 10 10 की पावर 3 या 3 log 10 10 log 10 10 का वैल्यू 1 है तो 3 into 1 3 ठीक है। तो ये log के पावर रूल्स, कौन से रूल बताया मैंने, ये पावर रूल सबसे पहला वाला फॉर्मूला ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूले पे तीन एग्जांपल्स, और एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है। 25 होता तो 5 की पावर, 36 होता, 36 को कैसे करते हैं, चलो एक एग्जांपल आ गया log 10 36, तो पता है इसको कैसे लिखते हैं, log 10 36 6 की पावर 2, तो इसको ऐसा लिख सकते थे 2 log 10 6। अब ये 6 है, इसकी तो नहीं पता यहाँ टेबल में, लेकिन इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे 2 log 2 into 3 2 into 3 चाहिए 6 को बोल सकते हैं। अब जब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन जब भी होता है तो अलग से ऐड करके लिख देंगे, तो इसको क्या लिख देंगे 2 log 10 2 प्लस log 10 3, मल्टीप्लिकेशन में होगा तो अलग से ऐड हो जाएंगे, और दिस इज द आंसर। log 10 2 की वैल्यू पता है, log 10 3 की पता है, इनटू 2, ये आंसर आ गया ठीक है। अब मैं मल्टीप्लिकेशन रूल को डिस्कस करवा देता हूं, log कंप्लीट बताऊंगा आपको पूरा, कि भैया log जितने तरीके से हम यूज कर सकते हैं वो सब बता दूंगा आपसे। चलो एग्जाम्पल अब नेक्स्ट लेते हैं डिवीजन पे, है ना, log 10 5 अपॉन 2 log, अच्छा एक वैल्यू यहां पे मैं आपको रह गया था मेरा, वो मैं लिख देता हूं यहां पे, log t10 की वैल्यू होती है 2.303 ठीक है। ये log इसको क्या बोल देंगे, log 10 5 माइनस log 10 2, 5 की वैल्यू 0.698 माइनस 0.3010, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, क्लियर। जैसे आपसे बोल देता log 10 0.2 की वैल्यू बताओ, 0.2 को पता है कैसे लिख सकते थे, log 10 2 अपॉन 10, अब इसको लिख देते log 10 2 माइनस log 10 10, भाई जब डिवीजन में होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 2 माइनस 10, log 10 2 0.3010, log 10 10 होता है 1, इसको सब्ट्रैक्ट करो आंसर आ जाएगा ठीक है। और एक एग्जांपल बता देता हूं, log 10 0.6, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, log 10 6 अपॉन 10, 6 अपॉन 10 को कैलकुलेट करोगे तो log 10 3 अपॉन 5 हो जाएगा, है ना, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको लिख देंगे log 10 3 माइनस log 10 5, क्लियर। ये यहाँ पे फर्दर सॉल्यूशंस आ जाएंगे, वैल्यू पता है, वैल्यू रख लो आंसर आ जाएगा। ये अपन ने कौन सा रूल बतला डिस्कस कर लिया, डिवीजन रूल। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल की। मल्टीप्लिकेशन रूल सिंपल है, जैसे आपसे पूछ रहे log 15 log 10 15, log 10 15 को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 into 3, और 5 into 3 को जब मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो ऐड हो जाएंगे, तो log 10 5 प्लस log 10 3, log 10 5 की वैल्यू पता है, log 10 3 की वैल्यू भी पता है। अब आप बोलोगे सर log 10 17 को कैसे निकाल लेंगे, तो एक बात बताऊंगा, log 10 16 का वैल्यू निकाल लो और log 18 का निकाल लो और उनका एवरेज ले लो, 17 का कैलकुलेट हो जाएगा लगभग, अप्रोक्स आएगा, वो करेक्ट नहीं आएगा, लगभग 99% डिजिट्स जो है वो आइदर 2 का मल्टीप्लायर होगी या 3 का होगी, डिजिट्स 2 का होगी, 3 का होगी, 5 का होगी या 10 का मल्टीप्लायर होंगी, तो कोई 2-3-4 वैल्यूज ही ऐसी होती हैं जैसे 7 का मल्टीपल जो भी आएगा उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। तो उस 7 के मल्टीपल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक बेसिक यही है कि भाई जैसे 21 है तो आप 20 का कैलकुलेट कर लो, उसके अप्रोक्स ही 21 का होगा, समझ रहे हो, जैसे आपसे बोल देता भाई log 21 आ गया तो 21 इतनी घबराने वाली बात नहीं, आप 20 का कैलकुलेट कर लो, उसके आसपास ही उसकी वैल्यू होगी, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा log में,
लॉग 10 20 का कैलकुलेट करना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, लॉग 2 इंटू 10, ये ऐसा बोल सकते हैं, लॉग 10 2 प्लस लॉग 10 10, लॉग 10 2 0.3010 और लॉग 10 10 हो गया 1, ये कैलकुलेट हुआ आंसर आया। लॉग 50 के वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 50 का कैसे लिखते हैं, लॉग 10 5 इंटू 10, इसको लिख देते हैं लॉग 10 5 प्लस लॉग 10 10, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बेस इधर भी 10 है तो यहाँ पे भी 10 होगा, यहाँ पे भी 10 होगा, यहाँ पे बेस चेंज नहीं करना भाई कहीं पे भी, देखो जितने फॉर्मूले सब में बेस वही रखा है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो यहाँ पे भी 10 ही आएगा। लॉग 10 5.698, लॉग 10 10 1, इनको ऐड कर दो आंसर आ गया। तो ये अपन ने कौन सा रूल पढ़ लिया, मल्टीप्लीकेशन, क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं इसका फॉर्मूला, तो देखो मैंने ये करवा दिया, ये डिस्कस करवा दिया, अब ये क्लियर करवा देता हूं, ठीक है। एक फॉर्मूला और एंड में बताऊंगा आपको, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे एंड में डिस्कस करूंगा। जैसे आपसे बोल दे लॉग 10 टू 5 का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो ये अपन बेस चेंज थ्योरम पे एग्जांपल ले रहे हैं, लॉग 10 टू 5, सर आपने तो बताया था बेस 10 की वैल्यू तो मुझे पता है, 2 की नहीं पता, भैया बेस कन्वर्ट कर दो ना 10 में, आता है बेस चेंज थ्योरम, लॉग 10 5 अपॉन लॉग 10 2, लॉग 10 5.698, लॉग 10 2 0.3010, यानी बेस चेंज थ्योरम यहाँ काम आएगी, जहां भी आपको कुछ समझ में नहीं आए, एग्जाम्पल और लेता हूँ, लॉग 3 5, बेस नहीं पता मुझे, कैसे करेंगे, चलिएगा इसको ऐसा कर सकते हैं, लॉग 10 5 अपॉन लॉग 10 3, दोनों का बेस 10 10 ले लेंगे, क्योंकि 10 की वैल्यू पता है इसलिए बेस 10 ले रहे हैं, एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं बेस चेंज थ्योरम, 5 की वैल्यू 0.698, 10 3 की वैल्यू 0.47, दिस इज आंसर। तो ये बेस चेंज थ्योरम का कमाल है कि हम किसी भी फॉर्मूले को तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल बताओ, अब एक रूल और फिर कुछ इस पे बहुत अच्छे एग्जांपल, एक लास्ट रूल है इसका, लॉग यहाँ पे बेटा एक्स है और ये वाई है, तो हम इसको जब रेसिप्रोकल में लिखते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे वाई और यहाँ पे लिख देंगे एक्स, मेरी बात समझ गए होगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, जब एक्स वाई है तो वाई की जगह एक्स कर दिया और एक्स की जगह वाई कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो ये वन अपॉन में चला जाता है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, लॉग 10 2 जो है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन log 2 10, यानी ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी और ये वाली इधर चली जाएगी, फिर 1 अपॉन में ले लेंगे, तो वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती हैं, ये इसका लास्ट रूल है लॉग का। तो जैसे अपने को लॉग e10 की वैल्यू पता है 2.303 है, तो लॉग 10 e का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो जस्ट इसका 1 अपॉन कर दो बस, तो लॉग 10 e इज इक्वल टू 1 अपॉन log e10, और e10 का वैल्यू ये रहा, तो लॉग 10 e इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्लियर, बात समझ में आ गई, ये वाला फॉर्मूला, लॉग e10 की पता है, देखो यहाँ लिख रखी है, ये वैल्यूज आपको सब याद रखना है, लॉग 10 e का चाहिए तो 10 e का कैसे करोगे, 10 e को लिख सकते हैं 1 अपॉन e10, 1 अपॉन e10 का वैल्यू पता है ये रहा, ये वैल्यू यहाँ से आप यहाँ रख दो, ये आंसर आ गया, क्लियर। तो इस तरीके से आप बेस चेंज थ्योरम को यूज कर सकते हैं। और एक जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूं, फॉर्मूलाज जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है, आपका बेस ई है और यहाँ पे वैल्यू एक्स है, इसको 10 में कन्वर्ट करना है, बेस क्या करना है कन्वर्ट 10 में, तो आपको ई से 10 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ई से 10 में, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं
log tan x अपॉन log tan e। क्लियर? ठीक है भैया, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा? सॉरी, इसको ऐसा लिख सकते हैं log tan x अपॉन, इसको ऐसा बोल सकते हैं 1 अपॉन log tan e। देखो क्या करा मैंने, अभी मैंने बताया था ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, इंटरचेंज कर दिया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो tan, tan की जगह e आ गया और e की जगह tan चला गया, यही तो करा है, तो इसको 1 अपॉन लिख सकते हैं। मैंने अभी बताया था log xy को हम बोल सकते हैं 1 अपॉन log, 1 अपॉन log yx, सॉरी yx, वैल्यू जब इंटरचेंज होती है तो 1 अपॉन हो जाता है। क्लियर? अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है पता है? log tan x अपॉन 1 अपॉन 2.303 भाई, log tan e की वैल्यू। अरे यार ये हो जाएगा log e tan, इंटरचेंज होंगे ना, ये यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे चला जाएगा, इंटरचेंज तभी तो होंगे, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी log e tan की? 1 अपॉन 2, तो 2.303 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हम लिख देंगे log e x इज इक्वल टू 2.303 log tan x। यानी कि एक फंडा आया डायरेक्ट कि जब यहाँ पे e हो और बेस tan करना हो तो आपको डायरेक्ट उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2.303 से। अब ये बहुत बार रटवा देते हैं कि सर ये 2.303 से मल्टीप्लाई कर लो, e tan में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा कैसे, ये प्रोसेस है, जैसे इसका बेस e था, अपने को tan करना था तो बेस चेंज थ्योरम लगाया, tan x tan e, फिर यहाँ पे tan x और 1 अपॉन, इसमें इसकी वैल्यू इंटरचेंज होगी, tan यहाँ आएगा और e यहाँ जाएगा, तो इसको 1 अपॉन में लिख देंगे, 1 अपॉन log e tan, 1 अपॉन log e tan, e बेस e के साथ tan की वैल्यू होती है 2.303, तो ये लिख दिया log tan x 1 अपॉन 2.303, ये 2.303 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा 2.303 log tan x, और इधर क्या था log e x। तो जब e को tan में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्ट 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे आपको एंड तक मैं बता देता हूँ, ये डायरेक्ट ही याद रखना चाहिए, इतना प्रोसीजर नहीं जाना चाहिए। तो मैं जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता दूं, जैसे आपका एक वैल्यू है log e2 का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो इसका बेस e है, इसको tan में कन्वर्ट करना है तो किस कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2.303 log tan 2। समझ गए? कुछ नहीं करना, ये जो e है ना, इस e को कन्वर्ट कर दिया tan में, तो जब e tan में कन्वर्ट होगा तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 2.303। अब ये वैल्यू तो आपको पता है, ये वैल्यू कितनी है 0.3010, इसको यहाँ पे रख दो, आंसर है। क्लियर हुआ? जैसे एक एग्जांपल और बता देता हूँ, log e5 है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ ले तो ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा, क्या कर सकते हैं इसको, log e5 को हम क्या बोल सकते हैं, 2.303 log e की जगह tan रखना है तो tan और 5। देखो e को रिप्लेस कर दिया tan से, तो अपने को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 से। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जब बेस e से tan में कन्वर्ट होगा तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये log पे अपन ने डिस्कस करे, अब और लास्ट दो एग्जांपल्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसके, वो डिस्कस करवा देता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया, ये बोल सकते हैं log e x इज इक्वल टू 2.303 log tan x। इस फॉर्मूले को यूज मोस्टली, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है भैया ये, e को tan में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन में बहुत बार यूज होता है। क्यों? क्योंकि अपने को ज्यादातर मैक्सिमम वैल्यूज tan की पता है, इसलिए हम इसको e को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, tan में, कितने से मल्टीप्लाई करके, 2.303 से। क्लियर? अब यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा था, tan की पावर x इज इक्वल टू 2, तो व्हाट इज x,
क्वेश्चन ये है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, अब मैं ट्रिक सिखा देता हूँ। तो टेन की पावर एक्स इज इक्वल टू टू, लॉग ले ले दोनों और बेस टेन के साथ, है ना। तो लॉग टेन टेन की पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग टेन टू, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्लियर। अब देखो ये पावर है तो पावर मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्या बनेगा, एक्स लॉग टेन टेन इज इक्वल टू लॉग टेन टू। लॉग टेन टेन का वैल्यू होता है वन, लॉग टेन टू का वैल्यू 0.3010। तो एक्स होना चाहिए, ये लॉग का यूज है, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है ये इसका लॉग का, है ना। देखो आपको क्या पता था, कुछ भी नहीं पता था कि ये ऐसे भी हो सकता है। तो देखो लॉग लेके हमने इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर लिया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और बताता हूँ, हंड्रेड की पावर एक्स इज इक्वल टू 20, व्हाट इज एक्स ये लेते हैं। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग 10 100 की पावर एक्स, अपने से क्या पूछा है एक्स क्या होगा, ये क्वेश्चन है, एक्स पूछ लिया है ना, व्हाट इज एक्स। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ले लेंगे लॉग 10 100 की पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग 10 20, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। पावर जो है वो आगे आ जाएगा, तो क्या बनेगा, एक्स लॉग 10 100 इज इक्वल टू लॉग 10 20। 100 को क्या बोल सकते हैं, एक्स, थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू लॉग 10 20 को क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 10। पावर रूल फिर कहता है पावर आगे आ जाएगी, तो ये बनेगा 2x लॉग 10 10 इज इक्वल टू लॉग 10 2 प्लस लॉग 10 10। ठीक है, देखो 2x 10 10 का वैल्यू होता है 1, तो बनेगा 2x इज इक्वल टू लॉग 10 2 का वैल्यू 0.3010 और ये 1, तो x आएगा 1.3010 अपॉन 2, यानी x ये होगा तब इसकी वैल्यू 20 के इक्वल आएगी, क्लियर। तो देखो भैया आपका लॉग यहीं पे फिनिश हो गया, जितना था लोगों में जो आपके काम आ सकता है मैक्सिमम मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा हमारे फिजिक्स में। लोग पे बेस्ड कुछ मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस दे देता हूँ आपको, उनको आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं हम। लोग 10.3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको, मैं कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर देता हूँ आपको यहाँ पे। सेकेंड है लोग 3, 6, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। लोग 10,000 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। लोग 2, 10, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। लोग 25 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। लोग 60 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, लोग 10 2.5 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डाल देने हैं। ठीक है, वन बाय वन, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, और लास्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ। E3 है, इसको आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट इनटू बेस 10। ठीक है, इसका जो बेस है वो 10 में कन्वर्ट करके आपको सॉल्व करना है 7 और ये प्रॉब्लम नंबर 8। ये 8 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।